हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुष्मिता। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन यानी कि तरबूज के छिलके के साथ स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे। और इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें भी खा के पता भी नहीं चलेगा कि वो तरबूज के छिलके खा रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और क्रिस्पी भी है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम सबसे पहले तरबूज का छिलका लेंगे और इसके ऊपर का रेड पार्ट अगर रह जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी रहता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का ग्रीन पार्ट भी हम निकाल लेंगे। साथ में हम एक मीडियम साइज का आलू डालेंगे और तरबूज का छिलका जैसे पीसेस में मैंने काटा है ऐसे 3 पीस मैंने लिया है। और आलू को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि कितना जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के टाइम आप थोड़ा सा ध्यान से ग्रेट करें क्योंकि तरबूज का छिलका हार्ड होता है, इससे आपका हाथ भी कट सकता है। तो बहुत ही सावधानी से आप इसे ग्रेट करें। बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके मैं सारे तरबूज को छिलके को ग्रेट कर लूंगी। छिलका ग्रेट करने के टाइम छिलके के ऊपर आपका अगर रेड पार्ट रह जाता है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बाद में हम इसका पानी सारा निकाल देने वाले हैं। तो मैंने एक एक करके सारे छिलकों को ग्रेट कर लिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी सारा हम निकाल देंगे, इसमें हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। हाथ की मदद से हम इसे दाब दाब के इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। बिल्कुल भी हमें इसे मॉइस्चर नहीं चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। मॉइस्चर रहेगा तो बहुत ही सॉगी टाइप का हो जाएगा और बहुत सारा इसमें बेसन ऐड करना पड़ेगा तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसका पानी आप जितना हो सके उतना निकाल लीजिए। पानी निकालने के बाद देखिए कुछ ऐसा हो गया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरह से इसका पानी निकाल लीजिए। अब हम आलू को भी ग्रेट कर लेंगे और यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू है और इसका हम आधा पार्ट डालेंगे। पूरा आलू हमें इसमें नहीं चाहिए। आलू को ग्रेट करने के बाद हम इसे भी इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे। आलू में भी हमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से दाबते हुए आप आलू का पानी पूरा निकाल दीजिए। आलू को ग्रेट करने से पहले आप आलू को धो लीजिए, उसके बाद आप इसे ग्रेट करें। हमारा रेडी हो गया है वाटरमेलन के छिलके और आलू का मिक्सचर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, 2 से 3 ग्रीन चिली और हरा धनिया। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और बाद में हम रेड चिली का भी यूज़ करेंगे। तो पहले जब आप हरी मिर्च डालें तो थोड़ा सा कम ही डालें। अब हम सारी चीज़ों को इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक अब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दें। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले एक बार मिला देंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ बेसन और चावल का आटा इसके अंदर यूज़ करेंगे। पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसे एक बार रेडी करने के बाद अब तुरंत ही बना लीजिए। ज़्यादा देर रखिएगा तो ये पानी छोड़ देगा। और ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून बेसन। पहले हम इतना ही डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप फिर से ऐड कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। मिक्स होने के बाद आपको अगर सॉफ्ट लगे तो इसके अंदर आप फिर से बेसन या फिर चावल का आटा 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से फिर से मिला लेंगे। और ये तलने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम पैन गरम कर लेंगे। पैन के अंदर व्हाइट ऑयल हमें गरम कर लेना है। तो तेल यहाँ पे गरम हो गया है। अब हम इसका पकौड़ी का शेप देके इसे हम तल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा पतला पतला रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है और ऐसे करके हम सारे पकौड़ी को डाल देंगे इसके अंदर एक एक करके। एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे अच्छे से डार्क ब्राउन करके फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के टाइम पहले आप ऑयल बहुत अच्छे से गरम कर लीजिए, उसके बाद मीडियम हीट पे आप इसे फ्राई करें। दोनों साइड से ये फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी आ गया है।
अब हम इसे निकाल देंगे। रेसिपी आपको अगर पसंद आया तो रेसिपी को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितना क्रिस्पी बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और आपको बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा, तो इसे आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। अभी के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।